डियर, कैसे हैं आप सब। ये 14 अगस्त के शाम का है वीडियो। कुछ ऑर्डर किया था मैंने अमेजोन से, मेरा बेटा खोल रहा है अभी, देखिएगा ये क्या है। ये मैंने कुछ और मंगाया था, मतलब मंगाया था डमी ही, लेकिन आ गया है दूसरे स्टाइल का, मैंने दूसरे तरीके का मंगवाया था। और ये देखेंगे, सुबह का ही वक्त है, बिल्कुल सुबह। और कुछ बच्चे लोग इस तरह कई ग्रुप में निकल कर गए झंडा लेकर, अच्छा लगता है, सबके दिलों में एक भावना है। हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ आप सबको 75वें आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी टीवी पर नरेंद्र मोदी जी लाल किले से बोल रहे हैं, और सुबह का लगभग 7:30 हुआ है, तो मैंने नहा वहा लिया है, तबीयत मेरी डाउन है, आवाज़ से पता चल रहा होगा। नहा कर पूजा कर लिया, आज मैंने कोई साड़ी नहीं पहनी क्योंकि ब्लाउज का लोचा होता है, ब्लाउज कोई भी अच्छे से फिट नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पहनूंगी क्योंकि आज गणतंत्र दिवस तो है ही, साथ साथ और भी कुछ है जो कि आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। अगर आप लोगों में से किसी को याद है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो मेरा बेटा का स्कूल बंद है, तो वो भी ऑफिस ही जाएगा, तो वो तो निकल गए हैं सुबह 6:30, लेकिन वो आएंगे इसको लेने के लिए, तभी मैं इसको रेडी कर दूँगी। बेटी सोई है, बेटा नहाने गया है, नहाने मैंने बेटा को भेजा है। तो चलिए अब देखते हैं दिन भर का शेड्यूल कैसा रहता है, कुछ अच्छा भी बनाना है। ये बोल रहे हैं बाहर ही शाम में खाने जाने आज जाना है, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो चलिए अब आगे मिलते हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा नहा कर आ गया है, और अब मैं इसको रेडी करूँगी। इन्होंने फ़ोन किया था, ये मैंने सोचा था कि वाइट कुर्ता पैजामा इसके पास ऑलरेडी है, और केसरिया कलर का इसका कोट भी है, लेकिन पिछले साल इसने वही पहना था। और यहाँ पर भी काम करने के लिए आ गए हैं सुभात, वो काम कर रहे हैं, इसलिए किचन का भी कोई काम मैंने किया नहीं है। इसको तो मैं दूध रोटी नाश्ता करा कर ही भेज दूँगी। तो इन्होंने कहा नहीं, मैरून ही पहन के चले जाएंगे जो पहने थे, और दोनों के पास एक जैसा है। तो मैं इसको रेडी कर रही हूँ, उनका फ़ोन आ गया था रेडी करके रखो, लेकिन ये जल्दी ही आ गए क्योंकि ये 6:30 में निकल ही गए थे, तो ये 8:30 बजे तक बोले थे आएंगे, और ये आ भी गए थे। तो जब तक मैं इसको रेडी कर रही थी, मैंने इसको खिला दिया है। तो जब मैंने कपड़ा पूरा सर्च किया इसका, देखा तो इसका जो ट्राउज़र था इसमें प्रेस नहीं किया हुआ था। अभी मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन में रह गए, ये देते हैं सारा कपड़ा प्रेस करने के लिए, मैं तो अपना अभी तक नहीं दी हूँ, और मेरा बहुत सारा जमा हो गया है कपड़ा। आज तो नहीं, कल मैं देखूँगी गोदरेज खोल कर कि कितना कुछ प्रेस किया हुआ है, कितने में प्रेस करना है, क्योंकि पूरा इर्द गिर्द ऐसे हो गया है, तमाम सब मेरा पूरा मेसअप हो गया है, चाहे वो कॉस्मेटिक हो चाहे वो गोदरेज का हो। तो वो मैंने कल सोचा है कि मैं बड़ा वाला गोदरेज पूरा क्लीन करूँगी, देखती हूँ कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि अब तो कोई काम लगातार करना मुश्किल है, खटपिट की आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे ही जग जाएंगे। तो मैंने इसके ट्राउज़र में यहाँ पर प्रेस कर दिया है, अब मैं इसको रेडी कर दूँगी। तब तक ये बोले हैं बस मैं पहुँच रहा हूँ, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, मैं देखती हूँ, तब तक मैं इसको क्रीम वगैरह लगा रही हूँ। तो जब तक मैं इसको ट्राउज़र पहना रही थी, मेरी बेटी रोने लगी, जग गई थी, तो मैंने इसको भी उस रूम से यहाँ लाकर रख दिया, और इसको ट्राउज़र ही पहना रही थी कि ये आ गए। और नीचे में गाड़ी लगी हुई है, ये मैक्सिमम काफ़ी खांसी मुझे हो गई है डियर, एकदम कुट कुट करने लगता है कंठ, तो मुझे बार बार रुक रुक कर वॉइस ओवर करना पड़ता है। और इनके ऑफिस से जब भी ऑफिस जाते हैं या आते हैं, तो इनकी गाड़ी, ऑफिस की गाड़ी इनको लेने आती है या पहुँचाती है, जब इनका मन होता है तो ये अपने मन से बाइक से जाते हैं, तो या फिर जिस दिन मैं कुछ सामान मंगवा लूँ तो ये बाइक से चले आते हैं, क्योंकि अब हर दुकान में रुक रुक कर गाड़ी तो रुकेगी नहीं, रुक भी सकती है, लेकिन इनकी अपनी मर्जी है, ये बाइक से चले आते हैं जिस दिन इनका मन होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले नाश्ता करा दिया था, और ये आ भी गए, और ये रेडी हो गया है मेरा बेटा, और इसको मैं अब भेज लूँगी, क्योंकि अभी काम कम्प्लीट हुआ नहीं है, पोछा अभी लगा नहीं है, जब पोछा वगैरह लग जाएगा तब फिर मैं खाना बनाने में लगूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 1-2 घंटे में ये लोग वापस भी आ जाएंगे। तो मैंने पूछा था, आप लोगों ने गेस किया नहीं, मैं तो बोल रही थी इसको भी लेकर जाइए, लेकिन ये थोड़ा व्यस्तता में थे, आज अभी मेरी बेटी से ये बात भी नहीं की है। तो डियर, कहते हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, और मैं हूँ नम्रता, आप देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा डियर, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और मौसम बहुत ही अच्छा किया था, बहुत ही अच्छा, लेकिन इन लोगों के निकलते निकलते ये स्थिति हो गई, ये लोग निकले और इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई, ये मेरा बेटा ऊपर आके बाय किया, इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई,
उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं जल्दी जल्दी किचन का हल्का फुल्का काम निपटा के फिर साड़ी पहन लूँगी। मैंने सोचा है एक रोज़ साड़ी पहनूँगी। और ये देखिए बिल्कुल तेज़ आंधी एकदम अचानक से शुरू हो गई। तो ये अब जा रहे हैं और बेटा मेरा कार पे बैठ गया है, अब ये बैठेंगे और इन लोगों के बैठ कर निकलते ही मैं बालकनी से अंदर, हालांकि सुबह या 3-4 बजे थोड़ी बारिश हुई थी, सड़क पर देख ही रहे हैं जिस तरह की पानी जमा है। और इन लोगों के निकलने से मतलब 5 से 10 मिनट नहीं हुआ होगा, मैं बालकनी में ही थोड़ा देर खड़ी थी, जब तक कि पोछा वो कर रही थी मैं बालकनी में खड़ी थी। और ऐसा स्थिति हो गया, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, पूरा अंधेरा हो गया। और वो पोछा करके चली गई थी, यानी कि बहुत लंबे समय तक बारिश हुई, लगभग 10 से 15 मिनट उतना देर मैं बैठी रही। और वो पोछा करके वो निकल गए, उनको बगल ही में ही काम करना था इसलिए उनको भींगने का डर नहीं था। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। मैंने सोचा आज खीर पूड़ी पनीर बना लूँ, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो मैंने बता दिया, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है और 15 अगस्त भी है। मेरे हस्बैंड दो भाई हैं, देवर का बर्थडे 17 सितंबर को होता है यानी विश्वकर्मा पूजा के दिन। तो इसी तरह से मतलब कि जुलाई से मेरे यहाँ बर्थडे शुरू होता है, लास्ट दिसंबर तक जाता है। तो जुलाई से नहीं, जून से शुरू होता है, क्योंकि अब तो मेरी बेटी जून में पैदा हुई है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में किसी का नहीं है, नवंबर में किसी का नहीं है, फिर दिसंबर, इस तरह करके। तो यहाँ पर मैंने सोचा था ये सब्ज़ी बना लेती हूँ, खीर बना लेती हूँ, फिर साड़ी बदलूँगी। इस तरह करते करते अब यहाँ पर ये कलौंजी है, मैं दूध में मिलाकर इसको पी रही हूँ, क्योंकि अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर बाबू को फीडिंग में दिक्कत होगी। और इन्होंने कल ही कह दिया है कि आज बाहर जाऊँगा, लेकिन मेरा सच पूछिए तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं होता है। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है मैं घर में ही टेस्टी टेस्टी खाना बनाऊँ और खाऊँ, मुझे बहुत ताम झाम लगता है तैयार हो, क्योंकि अब एक नहीं दो बच्चे हैं, उसको तो ये रेडी कर देते हैं। और फिर हर बात में मुझे ओला बुलाइए फिर जाइए, और फेस्टिवल तो आते जाते ही रहते हैं, तो ये बोलें कि हम लोग तो सारा चीज़ नहीं ही मना रहे हैं, लेकिन आज चलो आज इसीलिए चलेंगे क्योंकि थोड़ा बाहर निकलोगी तो अच्छा लगेगा देख के, कई लोग आते हैं जाते हैं, अपना इंजॉय करो, यही जीवन है। ये तो है कि बुरा हुआ है हम लोगों के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, उस सबको छोड़ के आगे बढ़ना है। तो इन्होंने बोला इस बार मैं केक वेक नहीं काटूँगा, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई वगैरह चढ़ा दिया है पूड़ी के लिए, क्योंकि सब्ज़ी जैसे ही मेरा होगा उधर मैं दूसरे साइड में खीर चढ़ा दूँगी। और अभी तक कोई आया नहीं है, यही मैं सोच रही थी कि ये सब्ज़ी बना लेती हूँ, खीर बना लेती हूँ, फिर रेडी हो जाऊँगी, तब फिर पूड़ी तल के हम लोग खाना खाएँगे, इसी तरह सोचते। और चूँकि घर के कामों में अगर लग जाती हूँ, यहाँ पर मैंने कस्तूरी मेथी सब्ज़ी में डाल दिया है, तो मतलब कि घर के कामों में अगर लग जाऊँ, ये आप अगर एक रेक, आप एक अलमीरा, एक सेल्फ आप साफ करना चाहेंगे तो उसमें समय लग जाता है। इस तरह करते करते मेरा आज का पूरा दिन निकल गया। और ये दोनों आ गए, मेरा बेटा भी आ गया, ये भी आ गए। तो अब मैं क्या, अब बताइए, कोई भूखा आया है इंसान? ये लोग तो हालांकि जलेबी वगैरह खा के आए थे, लेकिन अब मैं साड़ी तो नहीं पहनने लगती, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है अब खाना बना लेती हूँ। जबकि ये बोले भी आज तुमको तिरंगे कलर का साड़ी पहनना चाहिए था, मैंने कहा आपने ला के ही नहीं दिया है, तो बोले अच्छा ठीक है नेक्स्ट ईयर तुमको ला के देंगे पहनना। तो मैंने कहा नहीं, बीच में भी पहन सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आप बहुत लंबा लेकर चले गए, आप 26 जनवरी तक भी दे सकते हैं। तो फिर ये हंसने लगे। तो यहाँ पर जो टाइट खीर बना हुआ है, ये खीर मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मेरी सासू माँ इसी तरह का खीर बनाती थी, लेकिन मेरे बेटा को थोड़ा पतला खीर पसंद है, इसीलिए मैंने उसमें दूध देकर पतला कर दिया है और पानी एक गिलसी रख दिया। और पूड़ी तल के मैं भगवान को पहले भोग लगाऊँगी, खीर पूड़ी और ये जल, क्योंकि सब्ज़ी में लहसुन प्याज वगैरह डाला है, भगवान जी के आगे में रख दूँगी। उसके बाद फिर अपना और इनका प्लेट में निकाल लगा लूँगी। और उसके बाद ये मिठाई लाए हैं मुझे, शुद्ध घी का बूंदी वाला मिठाई, बहुत खाने का मन था। बूंदिया और पूड़ी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने कहा था आप अगर लाइएगा तो लड्डू गोपाल यहाँ फेमस दुकान है पटना में, शुद्ध घी का मिलता है बूंदी वाला लड्डू। मैंने तो यही इनको कहा था, ये बोले आज तो हर जगह जलेबी और समोसा मिल रहा है, देखते हैं अगर मिलता है तो ज़रूर लाएंगे, लेकिन दुकान में, ये बोले दुकान में मिल ही जाएगा, ठीक है मैं लेते आऊँगा।
तो लगभग अभी 12:01 का समय हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने बाबू को खाना दे दिया है, अब मैं इनका और अपना खाना निकाल लूँगी और उसके बाद फिर खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा ये जब आते हैं सवेरे तो ये गुस्साने लगते हैं कि आराम करो आराम करो। लेकिन ये भी आज 15 अगस्त को आराम नहीं कर पाए थे क्योंकि 16 अगस्त को कल जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो बार बार ये सबका जायजा ले रहे थे कहाँ क्या होना है नहीं होना है। तो इसी तरह करके ये 1 घंटे बाद सो गए थे। लेकिन मुझे तो बहुत सारा काम रहता है, जबकि मैं लेटती हूँ एडिट वगैरह करने तो मुझे नींद आने लगती है, लेकिन मैं नींद तोड़ के अपने कामों में लगती हूँ। सोने के बाद फिर मैं अगर दिन में सोती हूँ तो मैं बिल्कुल सुस्त हो जाती हूँ। ये मेरे साथ एक कमी है, कमी ही कहिए इसको, जबकि सोना भी ज़रूरी है। अब कलौंजी वाला भी लगभग ख़त्म हो गया है तो मैंने सोचा जीरा वाला बना लूँ या फिर गोंद का लड्डू बना लूँ। बस सोचती हूँ, कर नहीं पाती हूँ, देखती हूँ मैं किस दिन बनाती हूँ, क्योंकि गोंद के लड्डू में घी बहुत ज़्यादा लगता है और स्टार्टिंग में मैंने घी खाया था तो मुझे परेशानी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा रुक कर ही बना रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर खाना पीना लग गया, आप लोग भी खाने आइए। आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और आप लोगों ने कैसे मनाया क्या क्या किया ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पर मैं लड्डू भगवान जी को भोग लगा दूंगी, उसके बाद खाना पीना खाने के बाद सब कोई सो गए थे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, तब फिर यहाँ मैं अपना पिटारा खोल कर बैठी हूँ। और मैंने ये अनुरुद्धाचार्य जी महाराज का प्रवचन लगा दिया है। प्रवचन वगैरह भी आधा घंटा एक घंटा या काम करने के दौरान ज़रूर सुनना चाहिए, इससे मन को शांति मिलती है और मन को धैर्य मिलता है। हो सकता है कि जो जो कथावाचक होते हैं कभी उनका कोई ऐसा शब्द ऐसा वाक्य आपके दिल को छू जाए, आपके मन के लायक हो जाए और मन को शांति मिले, इसलिए मैं सुनती ज़रूर हूँ। और अब यहाँ पर मैं क्या काम करूँगी, मैंने तीन चार साड़ी में पिक्कू किया ही था कि मेरा बेटा जग गया, आप एक एक करके सब जगेगा, उसके बाद अब चाय नाश्ता में लग जाइए। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, बिल्कुल जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर ये बोलेंगे नहीं चलो पूरा ये जिद करने में बहुत जल्दी में बहुत फास्ट रेडी हुई हूँ। बेटी को भी रेडी नहीं किया, बैंगल वगैरह भी चेंज किया। अब चलिए मिलते हैं आपसे। और ये देखिए कितना सुंदर ये होटल सजा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है सच में। मेरे हस्बैंड मैं बोल रही थी मुझे खाने का मन नहीं है, मैं ये नहीं खा। हेलो गाइस, और यहाँ ये ऑर्डर सेलेक्ट कर लिए हैं जो मंगाना था, और ये जा रहे हैं उधर अपना ऑर्डर देने के लिए। यहाँ पर लेने लोग नहीं आ रहे हैं, ऑर्डर भी जाके देना है, अपना खाना भी खुद लाना है। हाँ देखिए, ये पूरा खाली ही खाली। ये बोल रहे थे कि तुम खाना मत, लेकिन चलो सच में मन अच्छा लगने लगेगा घर में रहते रहते, क्योंकि मेरी बेटी इतना रो रही थी आज 1 घंटे तक शाम में रोती ही रही, तो इसीलिए मेरा मन और भी उदास हो गया था। लेकिन बाहर आकर सच में बहुत मन फ्रेश लगने लगा, ठंडा ठंडा मौसम भी किया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बातचीत भी हम लोग बहुत अच्छे थे, मतलब ये समझिए कुल मिलाकर 15 अगस्त बहुत ही अच्छा रहा डियर, बहुत ही अच्छा लगा। कभी कभी लोगों को बाहर भी जाना चाहिए। मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैं बच्चे को लेकर कैसे जाऊँगी, लेकिन ये बोलते हैं सिर्फ कार में तो ऐसे बैठना है, उतरना है, फिर वहाँ बैठना है, यहाँ आना है। तो मेरी बेटी सो गई है, मेरी बेटी को इंडस्ट्रियों से कोई मतलब नहीं है। तैयार हो रहे हैं, ब्लाउज भी कोई फिट नहीं आ रहा था और हॉल का जो है ग्रोथ था लेट है। बाहर भी ये गेम ही देखेंगे।